अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूँ हनीफ। दोस्तों, एक्सेल के इस कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आज आपको एक्सेल की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ फार्मूला और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियोस में हम बाकायदा फार्मूला स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूला और फंक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर फार्मूला और फंक्शन क्या चीज़ है और फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से आज मैं आप दो को समझाऊँगा कि फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फार्मूला और फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला डिफाइन करते हैं। एक्सेल के अंदर फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल्स आर सेल्स। एक्सेल के अंदर फार्मूला एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे 3 + 4, यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 9 × 5 − 4 / 2 + 2, इस तरह की ये एक्सप्रेशन a1 + a2, इसी तरह के एक्सप्रेशंस को हम फार्मूला कहते हैं एक्सेल के अंदर। और ये एक्सप्रेशन करता क्या है, दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यूज, और ये उन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करता है इन रेंज ऑफ सेल्स आर सेल, जो सेल्स के अंदर वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर ऑपरेट करता है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे, और एक बात और याद रखें कि एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन लगाते हैं। जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं उससे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 + 4, ये एक फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा फार्मूला, इज इक्वल टू 9 × 5 − 4 / 2 + 2, ये भी एक फार्मूला है। नीचे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू a1 + a2, a1 और a2 सेल रेफरेंसेज हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, ये पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल से बताया है, आप वो देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला है, b3 × b4 + b5 / b6 + c4, ये सेल रेफरेंसेस हैं, इन सेल्स के वैल्यूज के ऊपर ये ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे नीचे एक आखिरी एग्जांपल मैंने जो दिया है, इज इक्वल टू सम d4 : d14 × 10, ये भी एक फार्मूला है। इसमें एक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, फंक्शन आगे मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, उसको हम फार्मूला कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल। अब कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, एक्सेल ने क्या किया है, उनका कोड लिख उसको एक फंक्शन बना देते हैं, फिर हमें वो लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लिखना पड़ता और हम आसानी के साथ वो फार्मूला एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां भी देखें, हम टोटल वैसे भी कर सकते हैं बगैर इस फंक्शन के, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, इज इक्वल टू सम फंक्शन। इस सम के अंदर पहले से प्री डिफाइंड एक फार्मूला बना हुआ है, हमने सिर्फ इसको यूज करना है। तो इसकी मदद से हम बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस बहुत आसानी के साथ कम वक्त में कर सकते हैं। इसी तरह एवरेज एक फंक्शन है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे नंबर्स का एवरेज आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट, काउंट फंक्शंस हैं, इसको हम आसानी के साथ इस्तेमाल करके हमारी बहुत सारी मेहनत ये आसान कर देते हैं। इसके आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, फंक्शंस आगे पढ़ेंगे, फार्मूला भी स्टार्ट करेंगे। ये दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस बताना था। फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमारा खुद बना बनाया होता है, जो सेल्स के ऊपर ऑपरेट करता है। फंक्शन भी
प्रीडिफाइंड फार्मूला होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो फार्मूला लिखा गया होता है वो पहले से प्रीडिफाइंड होता है। हमने सिर्फ उस फंक्शन का नाम यूज़ करना है, फार्मूला बैक पे वो फार्मूला खुद बखुद अप्लाई होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास कुछ डेटा है, इस वर्कशीट पे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं 4829। इसको मैंने टोटल करना है, सम करना है, इसका टोटल निकालना है, तो फार्मूला के ज़रिए भी कर सकते हैं आप। सिंपल फार्मूला ये यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगा के इस सेल का एड्रेस E8 प्लस E9 प्लस E10 प्लस E11 और अब एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए 23 का टोटल आ गया। अब यहाँ सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन फंक्शन के ज़रिए मैं इसको टोटल करता हूँ तो बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें इक्वल और फंक्शन का नाम लिखे SUM सम ब्रैकेट पेरेंथेसिस ओपनिंग पेरेंथेसिस और ये देखें फंक्शन के ज़रिए भी वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बहुत इजीली हो जाता है। इस वक्त आप इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा फंक्शन था, ये कैसे यूज़ किया है, इसका क्या तरीका था, वो आगे वीडियोस में मैं डिटेल से बताऊंगा। इस वक्त आप सिर्फ ये देख लें कि फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे अपने एक्सप्रेशन होते हैं, अपने हमारा बना बनाया होता है। फंक्शन एक रेडीमेड फार्मूला होता है जिसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा बहुत सारा समय वक्त बचाता है, बहुत हमारा मेहनत को कम कर देता है और इजीली हम वो काम कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा वर्कशीट पे आप देख रहे हैं ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको टोटल करना है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू पहला सेल ये 23 वाला, इसका एड्रेस है D6 प्लस D7 प्लस D8 प्लस D9 प्लस D10 प्लस D11 प्लस D12। अब यूं देखिए अगर ये लिस्ट आपके पास काफ़ी लंबी होती तो हमें इतने सारे हर सेल का एड्रेस लिखना पड़ता, काफ़ी लंबा काम हो जाता। और एंटर करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया 25,836। अब यही रिजल्ट सेम यहाँ फंक्शन यूज करके, यही सेम वैल्यूज हैं, हम फंक्शन यूज करके सम ये देखें बहुत आसानी के साथ फंक्शन के जरिए हमने वो सारा कैलकुलेशंस कर लिया। तो अब आप बिल्कुल इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि ये फंक्शन क्या कैसे यूज़ किया और किस तरह लिख लिया और कौन कौन से, ये आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ भी कुछ आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस हैं, हम इसको टोटल कर सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, सिंपल आप इज इक्वल टू और हर एक सेल का एड्रेस प्लस F9 प्लस इस सेल का एड्रेस F10 प्लस इस सेल का एड्रेस F11 प्लस इस सेल का F12 F13 प्लस F14 जस्ट एंटर। अब देखिए इसका टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया लेकिन फॉर्मूला यूज़ किया, अपना एक बना बनाया हुआ एक्सप्रेशन, खुद हमने एक एक्सप्रेशन बनाया और कैलकुलेट किया। अब यही कैलकुलेशन मैं फंक्शन के ज़रिए करता हूँ तो सिंपल आप इज इक्वल टू और उस फंक्शन को यूज़ करें सम और वो सेल एड्रेस जस्ट एंटर। ये देखिए सेम रिजल्ट बट फंक्शन के ज़रिए वही रिजल्ट हमें बहुत कम टाइम में मिल गया। और यहाँ पे चूंकि काफ़ी अगर ये लिस्ट इन केस बहुत ज़्यादा लंबी होती तब हमें ये काफ़ी मुश्किल होता, फंक्शन की वजह से हमें वो सारा काम बहुत कम समय में करना कर सकेंगे और मेहनत भी कम चाहिए होती है। उम्मीद करता हूँ फार्मूला और फंक्शन के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियोस में डिटेल से फार्मूला पढ़ेंगे, लिखते कैसे हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं एक्सेल में, लिखने का तरीका क्या है, फिर आगे फंक्शन भी उसके साथ पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।